इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहा हूँ, सबसे पहले पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसा होता है दिखने में मीटर ब्रिज? कुछ ऐसा होता है जैसा मैं बना रहा हूँ। क्यों कहते हैं इसको मीटर ब्रिज, वो भी मैं बताता हूँ कि इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। और ऐसा, और इसमें एक वायर लगा होता है बीच में, ये वाला, यहां से लेके यहां तक। तो इसमें ये जो ये तो है कॉपर की स्ट्रिप, ये जो बनाई है, ये कॉपर की स्ट्रिप है। इनके बीच में हमने रेजिस्टेंस लगाए हैं, जैसे इसको बोल दो एक्स, ये हमें पता है आर है। तो एक्स रेजिस्टेंस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है, हमें नहीं पता। और ये है आर, ठीक। और इस बीच में वायर लगा है, इस वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। ये अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम में आता है। कोई रेजिस्टेंस अननोन है, हमें नहीं पता उसका रेजिस्टर, कोई रेजिस्टर अननोन है, उसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने के काम में आता है मीटर ब्रिज। और इसका प्रिंसिपल क्या है? बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। इसमें ये जो वायर लगा रहता है, ये इसका रेजिस्टेंस हमें पता रहता है। बेसिकली इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें पता है, मतलब इसकी इसकी टोटल लेंथ पता है। इसकी लेंथ 1 मीटर है, देखो कुछ ना दिया हो सवाल में तो 1 मीटर मानना है, 1 मीटर रहती है इसकी। पर अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि नहीं ये 5 मीटर का है, तो इसको 5 मीटर लेना है, ठीक है, अदरवाइज 1 मीटर लेना है। और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें पता रहता है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता रहेगा तो उससे क्या आसानी हो जाएगी कि हम फिर कितनी भी लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं उससे मल्टीप्लाई करके लेंथ का, ठीक। और ये जुड़ा होता है नीचे बैटरी से, इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है ना कि यहां से एक जॉकी की मदद से, जॉकी क्या होता है वो सुनो, जो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वायर पे हम कहीं पे भी आगे पीछे उसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है ना कि एक वायर निकलता है और वहां उस पे लगी होती है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट का बताता है कि इस ब्रांच में से कितना करंट, मतलब कितना नहीं करंट है या नहीं, मतलब गैल्वेनोमीटर में अगर विक्षेप आ जाता है, डेविएशन आ जाता है, इसका मतलब उसमें से करंट जा रही है, और अगर नहीं आता है इसका मतलब उसमें से करंट नहीं जा रही है। और यहाँ पे इस तरीके से एक जॉकी रहती है। अब क्या करते हैं जॉकी को, अच्छा ये बैटरी लगा दी, अब देखो सर्किट सुनना, ये सर्किट हमने बना दिया, जॉकी अभी कहीं भी टच नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ करंट वरंट इसमें जा रहा होगा, ऐसे ऐसे कुछ भी जा रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा, है ना। अब हमने इस जॉकी की मदद से इस जॉकी को यहाँ से चलाना स्टार्ट करते हैं, और क्या देखते जाते हैं, गैल्वेनोमीटर का सुई को देखते जाते हैं कि उसमें कोई डेविएशन या कोई विक्षेपण आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इस जॉकी को यहां से चलाने स्टार्ट करते जाते हैं और चलते रहते हैं। तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे इस गैल्वेनोमीटर में से विक्षेपण शून्य हो जाएगा, सुई में विक्षेपण शून्य हो जाएगा, मतलब कि वो इंडिकेट करेगा कि इस वाली ब्रांच में से, इस वाले वायर में से जिसमें गैल्वेनोमीटर लग रहा है, इसमें से करंट कितनी हो गई? जीरो। ध्यान से देखना, पहले हमने जॉकी को मान लो यहाँ लगाया, अभी करंट इसमें से जा रही है कुछ भी। तो ये सर्किट कैसा बनता है, इसका सर्किट मैं बना के दिखाऊं, तो बेसिकली सर्किट कैसा बनता है, देखो सर्किट बनाते हैं इसका अपन। अगर हम गौर से देखें तो ये जो सर्किट बन रहा है, ये यही वाला सर्किट है, इस तरीके से। इसमें ये चीज हो गई एक्स, ये चीज हो गई आर। अब आपने जॉकी को मान लो यहाँ पे टच कर दिया, तो इतना रेजिस्टेंस ये वाला हो गया, इसको बोल दो चाहो तो R1, और जो इधर वाला है जॉकी के जो इधर है वो हो गया R2, है ना। और ये R1 R2 हमें नोन रहते हैं, कैसे? देखो वायर का लेंथ हमें पता है 1 मीटर, और वायर का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मान लो दे रखा है हमें इस वाले वायर का इस
इस वाले वायर का रेजिस्टेंस मान लो आपको आर दिया हुआ है, टोटल पूरे वायर का रेजिस्टेंस मान लो आर दिया हुआ है ना, और लेंथ आपको पता है एल है, इस पूरे वायर की, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर है और लेंथ कितनी है एल है, ठीक, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मीटर ब्रिज है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ से आता है कि स्केल भी लगी होती है, 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की स्केल लगी होती है इसमें, ठीक। तो हम जहां पे भी जॉकी को कनेक्ट करते हैं हम वो लेंथ निकाल सकते हैं कि कितनी लेंथ यहाँ पे इसने कवर की है। अब मान लो लेंथ L1 आ गई, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R अपॉन L इनटू L1, ये R1 आ जाएगा, वैसे ये कितना आ जाएगा, ये बचा कुछ आ जाएगा, या फिर ऐसे निकाल लो कि R अपॉन L इनटू L2, ये जो भी लेंथ आएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से हम R1 R2 आसानी से निकाल सकते हैं। अब जब तक इस गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है तब तक इसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है कि इस वाली ब्रांच में से करंट जीरो हो जाए, और अगर इस वाली ब्रांच में से करंट जीरो हो गया यानी कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो फिर हम क्या कह देंगे कि इनका रेशियो सेम होना चाहिए, एक्स अपॉन आर वन बराबर आर अपॉन आर टू। अब यहाँ से हमें R पता है, R1 पता है, R2 पता है, तो X को फाइंड कर लेंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट रहता है। क्या बात समझ में आ गई क्या? मतलब मान लो कि हमने गैल्वेनोमीटर को जॉकी की सहायता से कनेक्ट करके इस वायर पे सब जगह ऐसे इसको टच कराया कि भाई देखो भाई करंट कहाँ जीरो आ रहा है, ऐसे कराते हुए ले गए इधर की साइड, तो एक पॉइंट कहीं ऐसा मिल जाएगा, तो मान लो ये पॉइंट ये आ गया जहाँ पे इस ब्रांच में से करंट कितनी हो गई, जीरो, और मान लो ये लेंथ आ गई एल, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी 100 माइनस एल, 100 सेंटीमीटर, एल में सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, तो 100 सेंटीमीटर कितना हो गया 1 मीटर, तो इसको मैं बोल दूंगा 100 माइनस एल, ठीक है। करंट जीरो आ गई, मतलब इसमें इस ब्रांच में से करंट कितनी आ गई, जीरो, तो इसको बोल सकता हूँ ये बन गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स अपॉन आर वन बराबर आर अपॉन R2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया R1 अपॉन R2 इनटू R। अब देख लो यहां पे R, R1, R2 क्लियर है आपको क्या है, R का मतलब है इस वायर का, सॉरी ओहो R अपन ने ये मान रखा है ना भाई, इसको कुछ और मान ले, R की जगह इसको हम क्या ले लें, R की जगह इसको हम R प्राइम कर देते हैं, R प्राइम का मतलब ये, इस तरीके से कर देते हैं इसको कि भैया ये जो मीटर ब्रिज का वायर है 1 मीटर लंबा, इस मीटर ब्रिज वायर किया जो रेजिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं R प्राइम, ठीक है, और इतने पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 जो मैंने यहाँ लिख दिया, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 जो मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया R और ये X हो गया अननोन रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लो, अब R1 R2 क्या लिखेंगे बताओ, आपको R1 R2 भी तो लिखना पड़ेगा, तो R1 R2 लिखने के लिए अपन एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जिसको रो भी बोल देते हैं, ये कितना हो जाएगा R डैश अपॉन L। हो सकता है आपको डायरेक्टली रो ही दे दे, रो का मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, कौन से वायर के लिए, ये मीटर ब्रिज का जो वायर है इसके लिए डायरेक्टली हो सकता है आपको रो दे दे, या हो सकता है टोटल रेजिस्टेंस और L दे दे, तो आप रो निकाल लोगे, ये क्या है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई का प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो इसका फायदा क्या होता है कि हम इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ आर वन कितना आ जाएगा बताओ, आर वन में कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पे आर वन में लिख सकता हूँ रो इनटू एल, सही है, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस कितनी मानी है एल, और ऐसे ही आर टू क्या लिख सकते हैं अपन, आर टू लिख सकते हैं रो इनटू 100 माइनस एल, ठीक है। अब आर वन आर टू वहां पे रखोगे आप, रो से रो कट जाएगा, तो फाइनल एक्स कितना निकल के आएगा, एक्स बराबर निकल के आएगा, देखो आर वन रखा रो एल, रो से रो गया तो आया एल अपॉन 100 माइनस एल, एल यहाँ पे सेंटीमीटर में ध्यान रखना, इनटू आर,
ठीक इस तरीके से मीटर ब्रिज काम करता है। तो बेसिकली मीटर ब्रिज का काम कैसे करता है, ये बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज पे काम करता है। यहाँ पे जॉकी की मदद से, ये इस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर लगाया है, जॉकी की मदद से हम वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे करंट जीरो हो जाए। वो पॉइंट ढूंढने के बाद हमने मीटर ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, बैलेंस कर दिए, तो उससे एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये क्वेश्चन है कि अभी एक आपके सामने सर्किट दिया हुआ है, इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है ना, और अब कुछ नहीं दिया है तो मतलब ये आपको एक मीटर का मानना है वायर। इस केस में अभी इसको नल डेविएशन प्राप्त हो रहा है, नल डेविएशन आ रहा है यहाँ पे, मतलब शून्य विक्षेपण आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, मतलब कोई करंट इसमें से नहीं जा रही है। अब हमने क्या किया कि 3 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक और रजिस्टर लगा दिया 6 ओम का। तो अब दोबारा से शून्य विक्षेपण लाना है, दोबारा से नल डेविएशन लेके आना है, ये होती है जॉकी, है ना। तो जॉकी को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा कि दोबारा से नल डेविएशन आ जाए। चलिए देखते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पे आपको सिखाया था कि अगर गैल्वेनोमीटर में से डेविएशन जीरो हो जाए तो मतलब ये बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज बन जाता है। तो आप कुछ नहीं करना है, बस ये रेजिस्टेंस के रेशियो बराबर करने हैं, ठीक। तो आपने जब सॉल्व किया तो देखा फाइनली हमें फॉर्मूले में रो वगैरह कुछ नहीं आता है, मतलब ये जो मीटर ब्रिज हमने लगाया है, इस मीटर ब्रिज का रेजिस्टेंस कितना है या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, इसकी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। केवल किसकी जरूरत पड़ती है, लेंथ की, एक्स और आर की। एक्स क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस, और आर क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस। तो जो मीटर ब्रिज लगाया है इसके बारे में ज्यादा जानकारी की जरूरत है नहीं, उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है या उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। खैर, तो इस सवाल में हम पढ़ते हैं कि इस केस में, जो केस अभी सर्किट में दिया हुआ है, जो चित्र में भी आपको दिया हुआ है, परिपथ एक बनाया हुआ है, इसमें शून्य विक्षेपण आ चुका है। तो पहले यहाँ की हम लेंथ निकाल लेते हैं कि इस केस में ये जो नल डेविएशन है वो कितनी लेंथ पर हमें प्राप्त हो रहा है। लेंथ हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये 0 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से कितनी लेंथ पर हमें ये नल डेविएशन मिल रहा है, ठीक है। तो हम चाहे तो कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं, या हम चाहे तो सीधा ये भी यूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है, यही यूज कर लेते हैं। बेसिकली क्या है ये, अगर एल को मैं इधर ले आऊं तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन एल बराबर आर अपॉन 100 माइनस एल। ये रेजिस्टेंस ही तो है भाई, अगर रो और रो का मल्टीप्लाई कर दूं तो रो इंटू एल क्या हो गया, इधर वाला रेजिस्टेंस आर वन, और रो इंटू 100 माइनस एल क्या हो गया, इधर वाला रेजिस्टेंस आर टू। तो लिखते हैं, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 3 डिवाइडेड बाय L बराबर 2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। ये मैंने अभी इस स्थिति के लिख दिया, L का मतलब इतने पार्ट का रेजिस्टेंस है भाई, वो रो भी है साथ में, पर रो से रो कट रहा है। रो का मतलब क्या, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जो हमें दी नहीं है, आप चाहो तो लिख लो, रो से रो कट जाएगा, ठीक। मतलब लिख देता हूँ चलो, कि आर वन हो गया रो एल, और ये हो गया रो इंटू 100 माइनस L, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर ये लेंथ L हो गई तो ये लेंथ कितनी हो गई, 100 माइनस L। यहाँ से आप L सॉल्व करोगे तो L निकल के आ रहा है यहाँ से 60 सेंटीमीटर। मतलब अभी जीरो डेविएशन लाने के लिए, जॉकी को यहाँ से कितनी दूरी पर रखना पड़ रहा है हमें, 60 सेंटीमीटर पर रखना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या किया, 3 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया 6 ओम का, पैरेलल में लगा दिया। तो अब यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 और 3 को जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो 2 ओम आता है, ठीक है। तो अब यहाँ 2 ओम डिवाइडेड बाय रो एल डैश, लेंथ चेंज हो जाएगी, इधर तो 2 ऑलरेडी पहले से था, रो 100 माइनस L डैश। यहाँ से आप L डैश निकालोगे तो L डैश यहाँ से आ रहा है, ये नई लेंथ है ना, ये आ रहा है 50 सेंटीमीटर। मतलब अब जॉकी को यहाँ से, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा, तो जॉकी को यहाँ से कितने पे आना चाहिए, 50 सेंटीमीटर पर। देख भी रहा है भाई, 2 ओम 2 ओम बराबर है, तो रेशो सेम रखने, तो बराबर बराबर रेजिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। मतलब हमें जॉकी पहले कहाँ थी 60 पे, अब कहाँ गई 50 पे, पहले कहाँ थी 60 पे। तो जॉकी को कितना शिफ्ट करना पड़ा, लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ा 10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आएगा कि जॉकी को 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो एल माइनस एल डैश बराबर 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, ये आंसर है इस तरीके। ठीक है, तो ये एक मैं सर्किट बना रहा हूं, यहाँ पे जो ये एक मीटर का, यहाँ पे एक मीटर का रेजिस्टेंस जो लगाते थे वायर, उस वायर की जगह अभी यहाँ पे क्या लगा दिया है, ये लगा दिया है फ्रस्टम। याद है हमने जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा था, तो इसका रेजिस्टेंस हमने निकालना सीखा था। तो इधर की रेडियस दे रखी है स्मॉल आर, यहाँ की रेडियस दे रखी है टू स्मॉल आर, मतलब टू आर, इधर आर दे रखी है, टोटल लेंथ एल दे रखी है इसकी, फ्रस्टम की लेंथ जो है एल दे रखी है। एल और इसका रेजिस्टिविटी रो दे रखी है, इसकी रेजिस्टिविटी रो दे रखी है। ठीक, ये दे रखा है आपको 2 ओम और ये दे रखा है आपको 2 ओम। ठीक है, एल बराबर मान लो 100 सेंटीमीटर, ये भी 1 मीटर का ही है और 2 आर। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पे हमें अगर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है तो वो कितना आएगा, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कितना आएगा, मतलब आपको बताना है कि यहां से हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके एक जॉकी लगाई और जॉकी को इस पे चला रहे हैं, तो वो डिस्टेंस निकालनी है जब ये नल डिफ्लेक्शन मतलब जीरो डेविएशन वाला पॉइंट हमें मिल जाए। तो आपको बेसिकली ये लेंथ निकालनी है, इसको आप एल डैश बोल दो, एल डैश निकालना है, ये एल ही बोल दो इसको, ये एल आपको फाइंड करनी है। टोटल लेंथ कितनी हो गई फ्रस्टम की, 100 सेंटीमीटर, मैंने इसको सीधा 100 दे दिया तो इसको एल मान लिया, तो एल निकाल दो। एल क्या है, जहां पे हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है वो है एल, ये निकालना है। ठीक, तो आप देखो हमने पीछे कैसे सीखा था इसका रेजिस्टेंस निकालना फ्रस्टम का, और करके बताओ इसे जल्दी से। तो ये फ्रस्टम का रेजिस्टेंस, फ्रस्टम का रेजिस्टेंस पूरे एल लेंथ के लिए आया था। अब इसको यूज करो उस क्वेश्चन में। तो हमें बेसिकली इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने नल पॉइंट यहाँ ढूंढा है तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस अगर आर वन ले लें तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर टू, है ना। तो हमें क्या लिखना है, बेसिकली हमें लिखना है 2 अपॉन आर वन बराबर, उधर वाला रेजिस्टेंस कितना है वो भी 2 है, तो 2 अपॉन आर टू ये लिखना है। ठीक है, ये लिखना है हमें। अब R1 R2 निकालने बस और हो जाएगा काम। तो R1 का मतलब है इतना, इतने से पार्ट का रेजिस्टेंस, मतलब अब जो फ्रिस्टम हम लेंगे वो इतना सा रेजिस्टेंस, इतना सा फ्रिस्टम है, और दूसरा फ्रिस्टम जो बन रहा है, दूसरा शेप जो बन रहा है वो ये बन रहा है। तो फॉर्मूला होता है आपका टोटल, जैसे मान लो कोई फ्रिस्टम है ये, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि कोई इस तरीके से शेप है, यहाँ की रेडियस बी है, यहाँ की रेडियस ए है, टोटल लेंथ मान लो एल है और ये रो है, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस निकल के आता है रो एल अपॉन पाई इंटू ए इंटू बी, मतलब इधर की रेडियस इंटू इतनी रेडियस। तो अब इसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ दो फ्रस्टम बन रहे हैं, एक तो ये वाला मतलब इतना वाला और दूसरा बन रहा है ये। तो हमें जब रेजिस्टेंस निकालना होता है तो दोनों साइड की रेडियस पता होनी चाहिए, इधर की और इधर की। तो मान लेते हैं इधर की रेडियस इसकी वाई है, ठीक है। तो आर वन में क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, क्या मैं आर वन ये लिख सकता हूँ, देखो रो, तो रो तो रेजिस्टिविटी है तो आ गई रो, लेंथ इस वाले फ्रस्टम की लेंथ एल मानी हुई, तो एल अपॉन पाई इंटू दोनों साइड की रेडियस, तो इधर की रेडियस है आर, इधर की रेडियस है वाई, तो मैं लिख देता हूँ आर इंटू
वाई, और इसी तरीके से मैं आर टू भी निकाल लेता हूँ। आर टू हो जाएगा रो इन टू, इस बार लेंथ हो जाएगी 100 माइनस एल, भाई इतने पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर टोटल 100 सेंटीमीटर है तो इस लेंथ को अगर मैं एल सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो ये हो जाएगी 100 माइनस एल सेंटीमीटर, है ना, डिवाइडेड बाय पाई इन टू, इधर की रेडियस हो जाएगी वाई और इधर की रेडियस हो जाएगी 2r, तो वाई इन टू 2r, हमें वाई नहीं पता है तो एक बार वैल्यू रख के देख लेते हैं, अगर वाई कटेगा नहीं तो हम उसको निकाल लेंगे, कुछ कुछ करके निकाल सकते हैं, वो भी रिलेशन हमने अभी मैंने आपको दिखाया था तो हमने रिलेशन निकाला ही था, ठीक है रख देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम, 2 की जगह 2 डिवाइडेड बाय आर 1 की जगह रो एल अपॉन पाई आर इन टू वाई बराबर 2 अपॉन आर 2 कितना हो गया रो अप रो इन टू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय पाई इन टू वाई इन टू 2r, क्या देख रहे हैं हम यहाँ तो कट रहे हैं सब, तो ठीक है भाई अच्छी बात है, 2 से 2 गया, रो से रो गया, पाई से पाई गया और वाई से वाई गया, तो कितना बचा, तो ये बचा l अपॉन r, तो r ऊपर गया तो आ गया r अपॉन l इज इक्वल टू, यहां से बचा 2r अपॉन 100 माइनस l, ठीक है ये तो नोन टर्म है और l निकालना है तो यहां से l आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, अच्छा r से r भी तो गया, तो R से R गया तो ये बचा, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 माइनस L इज इक्वल टू 2L, तो ये 3L, तो L बराबर आ गया 100 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ठीक, देख लो कोई डाउट हो तो लगाना, इसमें बीट स्टोन बिजी है तो इसमें और क्या कर सकते हैं, सारी कलाकारी इसमें यही कर सकते हैं, इस जगह पे ये जो वायर है, इस वायर में हम ऐसा एक इस बार फर्स्ट टाइम लगाए, क्या कर सकते हैं इसकी जगह एक सिलेंडर लगा लेते हैं, बेलन लगा लेते हैं ना, और रो इसका वेरिएबल कर देते हैं, रो इसका ऐसे लिख देते हैं, हमने किया था ना सवाल वेरिएबल रेजिस्टिविटी, तो उसमें फिर रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे इसको मान लो रो बराबर कुछ ऐसे लिखते हैं, रो नॉट इन टू एक्स स्क्वायर इस तरीके से, तो हमें फिर आर वन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा एलिमेंट लेके, जो हमने ऑलरेडी सीख रखे हैं, वैसे आर टू निकालना पड़ेगा, मतलब करना आपको यही है, आर वन आर टू हम निकालने हैं, आर वन आर टू कैसे निकालने हैं वो सवाल पे डिपेंड करेगा, अगर सिंपल है तो मैंने दिखाया सिंपल तरीके से निकल गया पहले रो इन टू लेंथ करके, क्योंकि वहाँ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लगा दिया तो यहाँ पे मतलब रेडियस वेडियस चेंज होती जा रही है, पर इसका रिजल्ट हमें पता था इसलिए डायरेक्टली हमने लिख दिया, अगर रिजल्ट नहीं पता होता तो क्या करना पड़ता, पूरा वो पहले सॉल्व करना पड़ता फिर करना पड़ता इस तरीके से, तो सारी कलाकारी यहाँ पे हो सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस किस तरीके से आपको निकालना है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी निकालना हम सीख चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो बस ये बताता है कि किसी सर्किट में से किसी ब्रांच में से करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, और ये भी बताता है कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, डायरेक्शन भी बता देगा और फ्लो हो रही है नहीं हो रही वो बता देगा, लेकिन ये मेजर नहीं कर सकता कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो जैसे गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, जैसे कोई ब्रांच है और ब्रांच में ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, तो मान लो कि अगर करंट इसमें इधर से आ रही है, करंट है तो इसमें जो सुई है वो इधर डेविएट हो जाएगी इस तरीके से, तो ये करंट की डायरेक्शन तो थी, करंट ऐसे जा रही है, मान लो अगर करंट ऐसे जा रही है तो इधर डेविएट हो जाएगी, ठीक है, और अगर करंट नहीं जा रही है, कोई करंट है ही नहीं, तो इसमें सुई डेविएट नहीं होगी, हाँ बस ये बताता है, इतना काम है इसका। तो लेकिन अब आगे क्या है ना, और इसकी तो वो भी बहुत कम होती है, क्या मतलब बहुत बारीक सी करंट होती है उसको बता देगा, ज्यादा करंट पे तो ये खराब हो जाएगा, मतलब बहुत मिली एम्पियर करंट होगी तो ये विक्षेपण दिखा देगा, तो वो भी जरूरी है, बहुत छोटा करंट देखना होगी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन अगर बड़ा करंट इसमें से चला गया तो ये फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर को मैं कुछ चेंजेस करके इससे हम एमीटर और वोल्टमीटर बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से ही बनता है एमीटर एंड वोल्टमीटर, एमीटर क्या करेगा करंट नापने के काम में आएगा, ये करंट की वैल्यू भी बता देगा कि कितना करंट जा रहा है, और वोल्टमीटर किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम में आएगा,
ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अमीटर एंड बोल्ट मीटर। तो अमीटर कैसे बनाते हैं बताता हूँ, लेकिन अमीटर का काम क्या है, अमीटर का काम है कि यह है किसी ब्रांच में से या सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करेगा, और अमीटर को हमेशा उस ब्रांच के साथ सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है जिस ब्रांच में से आपको करंट निकालना है। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में लगाया जाता है उस ब्रांच से जिस ब्रांच में आपको करंट निकालना है। ठीक है, तो अभी करते हैं इसे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अमीटर को, सॉरी गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए करना क्या पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये अपना गैल्वेनोमीटर था, ये गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर को हमें अमीटर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे इस गैल्वेनोमीटर में से, अच्छा पहले क्या क्या पता है हमें, तो इतना पता है कि अगर केवल गैल्वेनोमीटर को हम यूज करें तो इसमें से करंट जो जाएगी वो बहुत छोटी जाएगी, और उसको हम बोलेंगे आईजी। ये वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर में से जा सकती है, मैं यहाँ बना लेता हूँ इस चीज को कि इसमें से जाने वाली करंट है आईजी। ये वो मैक्सिमम करंट है जो इस गैल्वेनोमीटर में से जा सकती है, इससे ज्यादा करंट अगर इस गैल्वेनोमीटर में से जाएगी तो ये गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आरजी, भाई कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, उसको आरजी बोल दिया। तो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया आरजी, और इस गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट मैक्सिमम करंट हो गई आईजी। मतलब अगर इसको हम एज ए अमीटर यूज करते हैं तो हम बहुत छोटा करंट नाप पाएंगे, ये आईजी बहुत छोटा होता है, बहुत 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 छोटा होता है, लेकिन हमें तो बड़ा करंट नापना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाते हैं। शंट का मतलब होता है कि पैरेलल में लगाया एक रेजिस्टेंस, एक शंट हमने लगाया एस, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि अब देखो होगा क्या, देखना ध्यान से, ये शंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है। मतलब इधर रेजिस्टेंस है आरजी और इस शंट हमने लगाया, इस शंट का रेजिस्टेंस हम एस मान लेते हैं कि शंट का रेजिस्टेंस एस या आरएस बोल दो जैसा आपको ठीक लगे। ये शंट का रेजिस्टेंस हम बहुत छोटा लगाते हैं, इसको बहुत छोटा रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। उसका फायदा क्यों क्यों बताता हूँ, देखना। अब क्या हुआ, इसके लगाने से क्या हुआ, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस एमिटर की रेंज बढ़ा रहे, मतलब अब ज्यादा करंट इसमें से जा सकता है। कैसे, देखना कि मान लो अब इसमें से मैक्सिमम करंट आई जा सकता है, आई मैक्सिमम करंट बोल रहा हूं कि अब इस अमीटर कितना करंट नाप सकता है, या अगर इसकी रेंज को हमें आई तक बढ़ाना है, जीरो से आई कर देनी है, मतलब आई वो मैक्सिमम करंट है जो ये अमीटर नाप सकता है, और ये पूरा अमीटर है, ध्यान रखना ये पूरा इंस्ट्रूमेंट अमीटर है, ये पूरा मिलके अमीटर है, मतलब अकेला नहीं है। गैल्वेनोमीटर में शंट लगा दिया, अब ये शंट जो है वो अमीटर का ही पार्ट है, ये पूरा डब्बा मैंने इसलिए बंद कर दिया, पूरा अमीटर है। अब जो ये करंट जा रहा है वो किसके अंदर जा रहा है, अमीटर के अंदर करंट जा रहा है। तो अब देखना क्या होगा, ये करंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं कि ये जो है वो मैक्सिमम करंट है ना, मैक्सिमम है, इसका मतलब कि इस ब्रांच में से भी मैक्सिमम जाएगा जितना जा सकता है, अधिकतम से अधिकतम जितना करंट जा सकता है आईजी, और इस ब्रांच में से कितना करंट जाएगा आई माइनस आईजी। भाई अगर टोटल करंट आई आ रहा है तो इस ब्रांच में चला गया आईजी, और इस ब्रांच में कितना चले गया आई माइनस आईजी, ठीक है, ओके। सो बेसिकली जीरो टू आई, रेंज ऑफ अमीटर कितनी हो जाएगी, जीरो से आई। आई क्या है, जितना करंट अब अमीटर में एंटर कर रहा है। सो आई इज द मैक्सिमम करंट जो अमीटर मेजर कर सकता है, और ये जीरो से आई इसकी रेंज हो जाएगी। और आई जी क्या है, आई जी इज द मैक्सिमम करंट इन द गैल्वेनोमीटर। सो आई जी को अपन बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब वो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल मैक्सिमम जितना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ सकता है, विक्षेपण आ सकता है, उतना मैक्सिमम विक्षेपण उसमें आ जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। डिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विक्षेपण,
फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो ऐसे सवाल पूछा जाता है कि मान लो कि पूरा डिफ्लेक्शन हो रहा है एमीटर में, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है ग्रेविटी, तो उसमें से गैल्वेनोमीटर में से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सवाल ऐसे आता है कि मान लो अगर आपको ऐसे बोलेगा सवाल कि एमीटर की रेंज को आपको इतना करना है, तो बताओ शंट कितना लगाना पड़ेगा, या पूछेगा कि अगर शंट आप इतना लगाते हो तो बताओ मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी। तो बेसिकली आई और एस में रिलेशन आपको निकालना है। आई जी और आर जी आपको गिवन रहता है, आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला मैक्सिमम करंट और उसका रेजिस्टेंस आपको गिवन रहेगा। आपको आई और एस में रिलेशन निकालना रहता है कि कितना शंट हम यूज करें कि रेंज इतनी हो जाए, या ऐसे बोल सकते हैं रेंज इतनी करने के लिए आपको कितना शंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिलेशन निकालना बड़ा ही आसान है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो गैल्वेनोमीटर है और ये शंट है, ये किसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही ब्रांच में से जाने वाला करंट आपको पता है, गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट कितना है आई जी, और इस शंट में से जाने वाला करंट कितना है आई माइनस आई जी। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस बराबर किए जा सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ग्रेविटेशन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज आई जी इंटू आर जी, वही बी बराबर आई आर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट इज आई माइनस आई जी इंटू आर एस। हाँ, इंटू अब शंट का रेजिस्टेंस आप एस ले लो, देखो किताबों में एस ही लिया होता है, तो यहाँ पे एस ही मैं यूज कर लेता हूँ। एस इज द, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, तो यहां से आपको देखो आई जी गिवन है, आर जी गिवन है, आई और एस में रिलेशन मिल गया, तो यहां से आप एस बराबर लिख सकते हो कि शंट विल बी, मतलब अगर आपको किसी की रेंज बढ़ा के किसी अमीटर की रेंज आई करनी है तो आपको शंट इतना यूज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आई जी आर जी, आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। और शंट जो होता है बहुत बहुत छोटा था, देखो कैसे क्यों बोल रहा हूं मैं, हम जानते हैं कि पैरेलल में जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेजिस्टेंस, मतलब जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर में से तो मैक्सिमम करंट फिक्स है आईजी, हम क्या कर सकते हैं, शंट हमने इसलिए लगाया ताकि उसमें से तो आईजी जाए पर बचा कुचा जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द करंट है वो सारे का शंट में से चला जाए। तो लो शंट का रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा उतना ज्यादा करंट इसमें से जाएगा, ठीक है। और कई बार एक टर्म ये भी यूज होती है रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर, कि रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर हम क्या लिखें, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज इक्वल टू, देखना तो अमीटर में आपको बोल रहा हूं ये पूरा डब्बे में जो बंद है वो अमीटर है, तो अमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, जी का रेजिस्टेंस आर जी और शंट का रेजिस्टेंस एस, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं तो जोड़ दो उनको, कितना आ जाएगा ये आर जी इंटू एस डिवाइडेड बाय आर जी प्लस एस। तो देखो एस बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो ये जो अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर आएगा ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी आएगी, इट इज वेरी लेस। तो अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस अमीटर का बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे दो तरह के अमीटर, आइडियल एंड रियल, वास्तविक, तो रियल हो जाएगा, आइडियल मतलब आदर्श अमीटर, है ना। चलिए एक सवाल आपको दिया गया है कि यदि गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना है 10⁻³ एम्पियर, तो वो ऐसे देगा सवाल में, फुल डिफ्लेक्शन करंट है 10⁻³, फिर आपको पता लगाना उससे कि ये आईजी हमें दे दिया, रेंज ऑफ द अमीटर इज द 10 एम्पियर, तो आपको पता लग गया नहीं आई हमें दे दिया, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 10 ओम, तो आरजी दे दिया, तो एस निकालना है। निकाल लोगे कौन से फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, तो एस बराबर हम क्या लिख देंगे आईजी इनटू आरजी डिवाइडेड बाय आई माइनस
आई जी, तो कितना हो गया 10^-2 डिवाइडेड बाय 10^-0.001। बहुत छोटा हो गया इसको, लगभग हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं 10 में से 0.0001 को, तो 10^-3 कुछ आ गया। ठीक, तो कितना छोटा आया देखो शंट, जबकि हमने यहाँ पे रेंज केवल कितनी करी है 10 एम्पियर करी। हाँ, इस तरीके से सवाल इसमें बन जाते हैं। अब आपको दो तरीके के इसमें एमीटर पढ़ने हैं, एक है आइडियल एमीटर, एक है रियल एमीटर। तो क्या अंतर है आइडियल एमीटर और रियल एमीटर में? आइडियल का मतलब हम बोलते हैं इसको आदर्श एमीटर, और रियल का मतलब है वास्तविक, जैसा होता है। जैसे बैटरी में नहीं लेते, आदर्श बैटरी का मतलब होता है जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो, आइडियल बैटरी। देखो, तो हमने यहाँ देखा कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आया अमीटर का, बहुत छोटा आया टोटल रेजिस्टेंस अमीटर का, लेकिन कुछ ना कुछ आया। लेकिन आइडियल अमीटर वो अमीटर होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। आइडियल अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, या टेंस टू जीरो, मतलब एकदम लगभग जीरो हो जाए, लेकिन हम उसको आदर्श के केस में उसको जीरो ही मान लेते हैं, मतलब बिल्कुल जीरो ही मान लेते हैं, जीरो ही है, मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं अमीटर में। अब देखो उसका कारण बताता हूं मैं कैसा है। देखो कि मान लो हम अमीटर यूज कर रहे हैं, एक सर्किट है, रेजिस्टेंस आर है, बैटरी ई है, और हमने यहाँ पे एक अमीटर यूज किया। ये है अमीटर। अमीटर को जिस ब्रांच में से हमें करंट निकालनी होती है उस ब्रांच में सीरीज में लगाना पड़ता है। तो मुझे इस ब्रांच में से करंट निकालनी है, तो इसी ब्रांच में मैंने एक अमीटर को लगा दिया। इसका ईएमएफ है ई। देखना, इस एक तो है जिसमें हम बात कर रहे हैं रियल आइडियल अमीटर, इधर तो है अपना आइडियल अमीटर, इधर है रियल अमीटर। रियल अमीटर का मतलब होगा जिसमें इसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, कुछ होगा, आर ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो मान लेते हैं इसमें इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज आर ए बराबर आर ए, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज आर ए मान लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, चल अब ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटा होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, बहुत छोटा होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर, क्योंकि हमने सीरीज में लगाया है और शंट ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, तो सीरीज में अगर सॉरी शंट हमने किस में लगाया है, पैरेलल में लगाया है, और शंट ऑलरेडी बहुत छोटा है। जब कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है तो उनका जो इक्विवेलेंट है वो सबसे छोटे से भी छोटा आता है। तो शंट ऑलरेडी बहुत छोटा होता है और पैरेलल में लगाया, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो बहुत छोटा आने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आएगा। उसका फर्क क्या पड़ेगा देखना, कि अगर हम एक्चुअल करंट सर्किट में से निकालें, जैसा हम जानते हैं ना थ्योरेटिकल, जिसको बोलते हैं थ्योरेटिकली, मतलब फॉर्मूले की सहायता से अगर हम सर्किट में करंट निकालें तो कितनी करंट आनी चाहिए पहले बताओ। अगर हम फॉर्मूले की सहायता से करंट निकालें तो करंट कितनी आनी चाहिए, आई बराबर E by R आनी चाहिए। और हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम, कि जो ये अमीटर है वो भी यही रीडिंग दे। भाई थियोरटिकल हमारा आंसर आ रहा है E upon R, भाई फॉर्मूला लगा के हमने सर्किट का करंट निकाला इतना आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि जो अमीटर हम लगाए वो करंट नापने के लिए लगा रहे हैं, तो करंट नापने के लिए जो अमीटर लगाया है वो भी इतना ही करंट देना चाहिए, तभी तो बात सही हुई कि थियोरटिकल हमारा सही है। हाँ भाई, थियोरटिकल हमने जो प्रूव किया दैट इज द एक्चुअल करंट इन द सर्किट। पर होता ये ऐसा नहीं है, असलियत में क्या होता है कि अमीटर के पास भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और ये आर ए बेसिकली इसके साथ क्या गया सीरीज में, तो ये जो करंट देता है ना अमीटर, वो बेसिकली कितना करंट देता है, ई अपॉन आर प्लस आर ए करंट देता है, जो हमारे थ्योरेटिकल करंट से अलग होता है। तो मतलब आइडियल केस में जो करंट आया है उसको हम थ्योरेटिकल बोल सकते हैं, थ्योरी थ्योरेटिकल मतलब फॉर्मूले से जो करंट आया है ना। और ये कौन सा करंट है, प्रैक्टिकल करंट है, वास्तविक करंट है ये, जो
क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, असली में ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो आता ही है, इसलिए हमने इसको आइडियल बोला। और आइडियल केस में हमने बोला कि रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसका मतलब हमने एक चीज सीखी कि अगर आइडियल अमीटर है तो इस केस में एरर कितना आएगा, एरर बराबर जीरो। एरर का मतलब क्या हुआ, अब एरर का मतलब हम समझ गए कि जो करंट थ्योरेटिकली आ रहा है, थ्योरेटिकली मतलब फॉर्मूले की सहायता से जो करंट आ रहा है वही करंट अमीटर भी रीड करे तो उसको हम कहेंगे कि एरर जीरो है, बट इस केस में एरर जीरो नहीं आएगी। किस केस में, प्रैक्टिकल के केस में, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल तो कितना रीड होगा भाई, थ्योरेटिकली तो हम ये मानेंगे ना कि ई अपॉन आर करंट आना चाहिए, लेकिन जो एमिटर है वो तो इतना रीड करेगा। ठीक, तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको, कि जब भी आपके सामने ये सर्किट वाले सवाल आएंगे कि हमने इसमें एक अमीटर लगा दिया है, तो आपको दिया रहेगा कि ये जो अमीटर हमने यूज किया है वो आइडियल यूज किया है या रियल अमीटर यूज किया है हमने, है ना, ऐसा आपको गिवन रहेगा। ठीक, और कुछ ना गिवन की हो तो आपको मानना है कि वो कैसा है, आइडियल है। तो जब भी अगर आइडियल अमीटर आपके सामने आए तो आपको सिंपली क्या कर देना है, सिंपली जो देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, तो आपको क्या ना सर्किट फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, उससे क्या होगा कि आपका बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। तो आपको क्या करना रहेगा, सर्किट फिर से ड्रॉ करना रहेगा, और अगर आइडियल अमीटर हमें दिया है मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम इस अमीटर को हटा देंगे और इस जगह क्या बना देंगे, वायर बना देंगे। भाई कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं मतलब वायर है वो, तो सिंपली। और आपका करंट कितना आ जाएगा, मतलब अमीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी, यही तो है रीडिंग इस केस में। इस केस में अमीटर की रीडिंग अगर आपसे पूछी जाए तो यही तो रीडिंग है। तो ऐसे सवाल आएंगे आपको, सर्किट दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि अमीटर की रीडिंग बताओ, अब अमीटर कैसा भी हो सकता है, आइडियल हो सकता है, रियल हो सकता है। आइडियल है तो आपको क्या करना है, वायर बना देना है और आपको इस ब्रांच में से करंट निकाल देनी, आंसर आ जाएगा, अमीटर की रीडिंग आ जाएगी। लेकिन अगर अमीटर रियल है, अगर अमीटर आपका रियल है तो इस केस में आप इसको हटा नहीं सकते हो, आपको इसको हटा के इसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। ये रेजिस्टेंस अमीटर का रेजिस्टेंस होगा और फिर आपकी अमीटर की रीडिंग आएगी कितनी, ये वाली, दिस इज द रीडिंग। इस केस में ये रीडिंग हो जाएगी और इस केस में ये रीडिंग हो जाएगी। अरे बात समझ में आई? हाँ सर, मतलब ये सर्किट के हिसाब से दिस इज द रीडिंग ऑफ द रियल, सॉरी आइडियल अमीटर। ये तो रीडिंग हो गई किसकी, रीडिंग ऑफ आइडियल अमीटर, और ये रीडिंग किसकी हो गई, रियल अमीटर। ठीक है, तो अब यहां से एक बात भी सीखे कि आइडियल अमीटर की रीडिंग को हम थ्योरेटिकल करंट भी कह सकते हैं और रियल अमीटर की रीडिंग को हम प्रैक्टिकल करंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कई बार पूछेगा कि बताओ परसेंटेज एरर कितना हुआ, परसेंटेज एरर निकालने वाले सवाल आएंगे। तो परसेंटेज एरर मतलब कि, तो परसेंटेज एरर वाले सवाल बड़े ही आसान होते हैं। आपको क्या करना है, बस रीडिंग ऑफ रियल अमीटर माइनस रीडिंग ऑफ रियल अमीटर माइनस रीडिंग ऑफ आइडियल अमीटर करना है, रीडिंग ऑफ आइडियल अमीटर डिवाइडेड बाय रीडिंग ऑफ आइडियल। ये बन जाएगा फॉर्मूला परसेंटेज एरर निकालने का। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हो। ठीक ठीक है सर।
और रीडिंग निकालना जानते हो, रीडिंग कैसे निकालोगे मैंने आपको बता दिया कि अगर आइडियल है एमीटर, मतलब मान लो आपको एक सर्किट दिया है उसमें आपको परसेंटेज एरर निकालना है, और आपको उसमें दे रखा है कि जो अब एरर कब आएगी, जब वो एमीटर कैसा होगा, रियल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार तो एक्चुअल रीडिंग निकालनी है, प्रैक्टिकल रीडिंग निकालनी है कि क्या आ रही है। तो उस केस में आप एमीटर का रेजिस्टेंस आर ए लगा के और करंट निकाल लोगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी रियल एमीटर के केस में, लेकिन आपको परसेंटेज एरर निकालनी है तो आइडियल मानना पड़ेगा। आइडियल का मतलब उस एमीटर की जगह आप वायर बना दोगे और फिर एक रीडिंग निकाल लोगे, तो ये रीडिंग कौन सी रहेगी, थ्योरेटिकल आ जाएगी, बस फॉर्मूला लगाओगे और आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो एक एक चीज ये भी होती है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि कोई एमीटर कितना अच्छे से करंट को सेंस कर रहा है, मतलब करंट चेंज होने के प्रति वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे एक तो होता है कि ज्यादा सेंसिटिव नहीं है हमारा मीटर, तो थोड़ा बहुत करंट चेंज हुआ तो उसको फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो क्या करेगा, बेसिकली गलत रीडिंग देगा। मतलब जैसे पहले 1 एम्पियर करंट बह रहा था, फिर 1.001 एम्पियर करंट बह रहा है, तो मतलब उसमें कुछ डिस्टर्बेंस ही नहीं है, वो सेम ही रीडिंग दे रहा है, मतलब वो बहुत कम सेंसिटिव है। तो बेसिकली करंट सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं कि मान लो उसमें करंट फ्लो हुआ 10 एम्पियर, पहले अमीटर समझो अमीटर कैसा होता है। तो अमीटर अगर आपने देखा नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इधर तो काला काला रहता है, यहाँ पे एक सुई रहती है जो घूम सकती है, और यहाँ पे रीडिंग रहती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब बेसिकली ये क्या है, डिवीजन रहते हैं यहाँ पे, इस तरीके से डिवीजन रहते हैं ना। तो ये हो गया एक डिवीजन, दो डिवीजन। अब इसमें भी अंदर छोटे 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 पार्ट रह सकते हैं, जैसे 0 है 0 से 1 के बीच में, अब डिपेंड करता है उसकी लीस्ट काउंट कितना है, कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया है ना, कितनी छोटी रीडिंग वो दे सकता है। खैर, तो बेसिकली अब डिवीजन काउंट करने पड़ते हैं अपन को कि भाई इतने डिवीजन, जैसे 10 एम्पियर करंट निकालने के लिए यहाँ पे 4 डिवीजन चल गया, मतलब सुई यहाँ पे आ गई 4 पे, ठीक है, मतलब इसने कितने डिवीजन चल लिए सुई ने, 4। तो करंट की सेंसिटिविटी कितनी होगी, 10 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 10 एम्पियर करंट में वो 4 डिवीजन सुई मूव करती है, इस तरह से उसकी करंट सेंसिटिविटी डिफाइंड होती है। जैसे ऐसा भी हो सकता है किसी में कि 10 एम्पियर करंट चलने में वो 5 डिवीजन चल जाए, है ना। तो करंट सेंसिटिविटी बेसिकली इस तरीके से डिफाइन है, करंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है कई बार रेंज देने में, इसका यूज कर लेते हैं। जैसे आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में कि किसी एमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी है वो है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर में वो 10 डिवीजन मूव कर जाती है ना, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर करंट चलने में वो 10 डिवीजन मूव कर जाती है, राइट। तो अब आपको पूछ लिया भाई इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, और ये भी दे रखा है कि जो एमीटर है उसमें कितने डिवीजन, 30 डिवीजन है मान लो, तो सुई कितने तक जा, 30 डिवीजन तक जा सकती है, और 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर करती है, रीड करती है, तो 30 डिवीजन में कितने मिली एम्पियर वो रीड कर लेगी, 3 मिली एम्पियर, मतलब उसके पास कितना स्कोप है सुई को चलने के लिए, कितना करंट नापने का एक स्कोप है उसके पास, 3 मिली एम्पियर तक करंट नापने का उसका स्कोप है ना। हाँ सही बात है, मेरे को भी ऐसी लगा। तो करंट सेंसिटिविटी डिफाइन है ऐसे, सही बात है, तभी तो समझा, मेरे को लगा कि यही होना चाहिए। कैसे देखो, सबसे पहले एमीटर बताता हूँ आपको, एमीटर क्या है। तो ऐसा एक डिवाइस होता है एमीटर, यहाँ तो ऐसे फिक्स है, यहाँ पे रहती है सुई और इधर रहती है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब मान लो ऐसे डिवीजन हो गए। अब हम बोल रहे हैं मान लो कि 10 एम्पियर करंट नापने के लिए वो यूज कर रहा है 3 डिवीजन, ठीक, मतलब पहली स्थिति में ऐसा है कि जो सुई है वो यहाँ पे है, मतलब समझ ध्यान से,
कि 10 एम्पियर करंट वो नापता है, उसमें 3 डिवीजन वो कवर कर ले रहा है, 10 डिवीजन नापने में वो 3 डिवीजन कवर कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे केस में दूसरा कोई एमीटर है, वो भी 10 एम्पियर ही रीड कर रहा है, लेकिन वो 1 डिवीजन में ही कर ले रहा है, ऐसा 1 डिवीजन में। मतलब यहां पे फर्स्ट केस में जो 10 एम्पियर वो 3 डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान से देखना, लेकिन यहां पे जो 10 एम्पियर है वो 1 ही डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किस में ज्यादा कौन ज्यादा सेंसिटिव हुआ, कौन ज्यादा करंट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हुआ, किस में ज्यादा चेंज दिखाई देंगे? पहला 10, हाँ, मतलब फॉर्मूले से मत देखना, मतलब फॉर्मूले से भी देखोगे तो सही बात है, एक में आएगा 3/10, एक में आया 1/10, तो ओबीएस है कि ये बड़ा हो गया, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई। पर ऐसे सोच के देखो कि फर्स्ट वाले केस में तो जो 10 एम्पियर वो 3 डिवीजन में डिवाइडेड है, मतलब अगर 10 एम्पियर में हल्का सा भी चेंज होता है तो यहाँ पे हम सुई में चेंज आराम से देख पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे, क्लियरली विजिबल होगा कि हाँ भाई थोड़ा चेंज हुआ करंट में। लेकिन यहाँ पे 10 एम्पियर एक ही डिवीजन में है, मतलब इतने से में ही है, 10 एम्पियर इतने से में ही है, तो अब 10 एम्पियर में हल्का सा चेंज होता है तो सुई पे कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो मतलब इसकी सेंसिटिविटी कम हो गई एक तरीके से, ये वाली बात कह रहा हूँ। जैसे ये तो हो गई काले कलर वाली सुई, काली रीडिंग, और ये लाल वाली रीडिंग, ऐसे देखना, ये तो गई फर्स्ट वाली रीडिंग। इसमें 10 एम्पियर जो करंट है वो 3 डिवीजन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे यहाँ पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से 10 एम्पियर करंट यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर थोड़ा बहुत भी करंट चेंज होता है तो सुई मान लो इधर आ गई, तो मैं क्लियरली दिखा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ सुई आई इधर, समझ में आई बात? जैसे 10 एम्पियर यहाँ पे नाप रहा है और मान लो 7 एम्पियर यहाँ है, तो सुई कितना इतना एंगल घूम गई, तो हाँ कुछ एंगल हमें समझ में आया कि हाँ भाई सुई ने कुछ हल्का सा डेविएट हुई, डिफ्लेक्ट हुई, सही बात है। लेकिन अगर इतने से पार्ट में ही 10 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब अगर करंट 10 से 7 हुआ तो सुई में कितना सा चेंज, हमें आंखों से तो पता ही नहीं लगेगा कि सुई हल्की सी घूमी भी है कि नहीं घूमी, मतलब ये उतना सेंसिटिव नहीं रहेगा, उतना ज्यादा करंट चेंज करने पर इसमें परिवर्तन नहीं होंगे। आप समझ में आ गई बात? तो इसलिए ये हो गया नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन करंट, तो यहाँ से सेंसिटिविटी सही से हो गई। तो इसमें ज्यादा सेंसिटिव कौन सा हो गया? ऊपर वाला केस, कम सेंसिटिव नीचे वाला। तो इस तरीके से सेंसिटिविटी ऑफ द एमीटर हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, और ऐसा दिया गया है कि अगर टोटल करंट का 10% करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होता है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 99 ओम है, तो शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, है ना? तो करें इसको, तो आप चाहें तो एक सर्किट भी बना सकते हैं छोटा सा, ये गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे हमने लगा दिया शंट एस, टोटल वैल्यू ऑफ करंट है ना, टोटल करंट हम मान लेते हैं आई है मान लो, और हमें पता है कि इसमें से करंट जो जाती है उसको बोलते हैं हम आई जी, और इसमें से जो करंट है उसको जो बोल रहे हैं आई माइनस आई जी, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या रहे कि शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए कि 10% ऑफ द टोटल करंट, टोटल करंट का 10% कितना होगा पहले वो निकाल लो, वो तो क्या हो जाएगा पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो मतलब आई जी आपको दे दिया 10% ऑफ द टोटल करंट, आई बाई 10, ये आई जी आ गया, है ना। आर जी आपको दे रखा है 99 ओम, टोटल करंट आई आपको दे ही रखी है आई, ठीक है। एस निकालना है आपको, तो फॉर्मूला पता ही आपको, एस बराबर आई जी इंटू आर जी, तो 99 इंटू आई अपॉन 10 डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, इसको सॉल्व करोगे तो आई से आई कट गया और ये सॉल्व हो क्या आ रहा है 11 ओम, ये आंसर आ गया, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? फाइंड रीडिंग ऑफ A1, A2, A3, तीन एमीटर लगाए हुए हैं, उनकी रीडिंग आपको
पता लगानी है, A1 A2 यहाँ पे आइडियल है और A3 रियल है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम, है ना। A1 A2 A3 की हमसे रीडिंग पूछी है, A1 A2 आइडियल है, A3 रियल है। तो हम सर्किट बनाते हैं जैसा कि आपको सिखाया था कि जो आइडियल है उनको तो हटा के हम सीधा वायर लगा सकते हैं, उनको तो सीधा वायर मान लो, है ना। तो जैसे A2 हटा दिया हमने और A1 हटा दिया, इनको हटा के हम सीधा क्या लगा देंगे, वायर लगा देंगे, ठीक। इनको हटा के हमने सीधा वायर लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये तो आइडियल है। लेकिन A3 को नहीं हटा सकते, उसकी जगह हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली A3 की जगह हमने लगा दिया कोई रेजिस्टेंस है इसका RA। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हो रहा है क्या। तो कैसे सिखाया था कि कहीं भी एक जगह जीरो मान लो और करो सॉल्व, अगर जीरो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो KVL KCL लगाने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ हमने जीरो माना तो यहाँ हो गया 20, और मैं देख रहा हूँ कि इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है रास्ते में, तो यहाँ का भी कितना हो गया जीरो, वैसे यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो इधर का कितना हो गया जीरो। अब अंदर की बात कर लेते, थोड़ा यहाँ पे 20 है, फिर प्लस आया तो माइनस लगा, तो यहाँ कितना आ गया 10 वोल्ट, 20 में से 10 गए तो 10, यहाँ पे 20 है और यहाँ 40 है तो 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 20। तो क्या हमें सभी रेजिस्टेंस के दोनों ओर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया? हाँ जी, यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया। क्या हमें इस एमिटर के भी दोनों ओर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया? हाँ जी मिल गया। हाँ सर। तो बेसिकली करंट अब निकाल देंगे तो 16 ओम में से करंट कितना आएगा, जैसे यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जाएगा आई, क्यों, क्योंकि इधर ज्यादा है इधर कम है तो हायर से लोअर जाता है, तो यहाँ से आई बराबर आ गया 10 माइनस 0 अपॉन 16 एम्पियर, ये करंट आ गया। अब आपको करंट देखना है यहाँ पे कितना आया, तो यहाँ पे करंट हायर से लोअर, तो ये हायर 0 और माइनस 20 लोअर, तो करंट इस तरीके से जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ I1। तो I1 कितना निकल के आ गया, I1 निकल के आया हायर माइनस लोअर, तो 0 माइनस माइनस 20, 20 अपॉन 21 एम्पियर, इस तरीके से। तो करंट किस तरीके से फ्लो हुआ पूरे सर्किट में देखो। अच्छा हाँ, सबसे लास्ट में, तो मतलब बेसिकली ये वाली रीडिंग किसकी हो गई, ये तो किसी की रीडिंग नहीं हुई। हाँ, ये किसकी रीडिंग होगी, अरे ये तो किसी की भी रीडिंग नहीं, क्योंकि ये तो करंट हमने यहाँ का निकाला है, ये करंट हमने यहाँ का निकाला है, पर अमीटर तो कहाँ लगे हुए थे, यहाँ लगे हुए थे, यहाँ लगा हुआ था और यहाँ लगा हुआ था, तो रीडिंग निकालते हैं। हाँ, लेकिन इसकी रीडिंग मैं बता सकता हूँ, A3 की रीडिंग कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, जीरो एम्पियर, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है उसके दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस जीरो जीरो है, पोटेंशियल जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो, तो रेजिस्टेंस चाहे कुछ भी हो करंट तो जीरो आएगा, तो इसकी रीडिंग मिल गई। अब हमें A1 A2 की रीडिंग भी निकालनी है, तो बेसिकली यहाँ पे A1 है और यहाँ A2 है ना। चलो करते हैं, तो हमें पता लग गया 1 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है इस तरीके से, तो 1 एम्पियर है, फिर ये 1 एम्पियर करंट में से कुछ इधर चला गया, कितना 10 अपॉन 16 इधर चला गया, तो बचा कुचा इधर जाएगा, कितना इधर जाएगा 1 माइनस 10 अपॉन 16। अब ये 1 माइनस 10 अपॉन 16 इधर गया, अब इसके पास दो रास्ते हैं, लेकिन इस रास्ते में तो हमें पता है कोई करंट नहीं है, तो करंट इधर चला जाएगा। तो मतलब बेसिकली इस वाली ब्रांच में से, मतलब A2 वाली ब्रांच में से करंट कितना गया, 1 माइनस 10 अपॉन 16। तो अगर मैं रीडिंग लिखूं A2 की तो कितनी आ गई, 1 माइनस 10 अपॉन 16, तो मतलब ये हो गई 6 अपॉन 16 एम्पियर, सही है। हाँ, तो ये 6 अपॉन 16 एम्पियर करंट इस तरीके से गया, ठीक है, ध्यान से देखना, और यहां से 10 अपॉन 16 करंट आया, तो यहां मिलके इसमें से कितना करंट गया, बेसिकली इसमें से करंट गया 1 एम्पियर। तो A1 की रीडिंग कितनी आ गई, 1 एम्पियर आ गई। अब देख लो एक बार फिर से, देखो हो कैसे रहा है, करंट इसमें कैसे जा रहा है, 1 एम्पियर करंट इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे दो रास्ते हैं लेकिन उसमें तो कोई जा नहीं रहा, सारा करंट इधर आ गया 1 एम्पियर,
वन एम्पियर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस तरीके से, ऐसे गया यहाँ पे और यहाँ मिला, मिलके वापस से वन एम्पियर, तो इस तरीके से करंट यहाँ पे घूम रहा है। तो तीनों की रीडिंग आ गई, ए थ्री की 0, ए टू की 6/60 एम्पियर और ए वन की 1 एम्पियर। वेरी गुड। चलिए तो जैसे ये है आपके सामने सर्किट, इसको सॉल्व करना है हमें और अमीटर की रीडिंग बतानी है। तो यहाँ पे जो अमीटर है वो कैसा है, आइडियल। तो आइडियल अमीटर के केस में हम क्या कर सकते हैं, अमीटर को हटा के वहां पे सिंपल वायर बना सकते हैं। तो बना देते हैं वायर, ये अमीटर। अब ये वायर बन गया, वायर बन गया मतलब एक तरीके से 2 ओम तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब अगर 2 ओम शॉर्ट सर्किट हो गया तो ध्यान से देखना करंट किस तरीके से फ्लो होगा। तो वही हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कितना हो गया, 10, तो यहाँ भी 10, 10, 10, 10, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 10 और यहाँ कितना आ जाएगा 0। तो बेसिकली करंट कैसे आ गया, करंट इस डायरेक्शन में आ गया, कितना, 10/5। करंट I कितना आ गया, 10/5 यानी के 2 एम्पियर। अब करंट देखो, ये रीडिंग नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा ये रीडिंग है, करंट देखते हैं किस तरीके से जाएगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि। तो बेसिकली इस ब्रांच में से जो करंट गुजरेगा वो रीडिंग होगी। तो करंट यहाँ से चला, इस तरीके से चला, ऐसे चला, ऐसे चला, यहाँ पहुंचेगा। अब क्या 2 एम्पियर में से करंट, 2 ओम में से करंट जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इधर भी 10 वोल्ट है, इधर भी 10 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो करंट फिर ऊपर जाके, ऐसे जाके और इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेगा इस तरीके से। तो बेसिकली इस ब्रांच में से करंट कितनी हो गई, 2 एम्पियर। तो यहाँ आंसर आपका आ गया 2 एम्पियर। करंट तो अपना पाथ कंप्लीट करेगा ना, सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो होता है, सर्किट टूटा हुआ है तो करंट फ्लो नहीं होता है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आता है, किसी ब्रांच या किसी सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट मतलब रेजिस्टेंस हो, चाहे बैटरी हो, कोई भी टर्मिनल हो, उन दो टर्मिनल पे आपको वोल्ट मीटर लगाओगे, आप वोल्ट मीटर उन दोनों के टर्मिनल के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसकी रीडिंग आपको दे देगा। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं उस ब्रांच के या उस सर्किट एलिमेंट के जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, जबकि एमीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। देखो यहाँ पे हुआ ना, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में एमीटर को किस में लगा दिया, 2 ओम के पैरेलल में लगा दिया, तो उसने तो काम ही खराब कर दिया, उसने तो 2 ओम को ही बाईपास कर दिया, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, लगभग 0 रेजिस्टेंस होता है। हाँ, आइडियल का तो 0 ही होता है, और अगर रियल है तो लगभग 0। तो अगर ये रियल भी होता तब भी काम खराब कर देता, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो बहुत कम होता, तो लगभग सारा का सारा करंट इसी में से चले जाता, 2 ओम में से तो बहुत कम करंट जाता, और आइडियल है तो फिर तो 0 ही कर दिया करंट इसमें से, है ना। अब वोल्ट मीटर को कैसे बनाते हैं हम, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर को कैसे बनाते हैं, ध्यान देखना। तो जब हमने अमीटर को बनाया था गैल्वेनोमीटर से, तो उस वक्त तो एक शंट लगाया था पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के, लेकिन जब हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाते हैं तो इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं आर। ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं कि अकेला मान लो ये गैल्वेनोमीटर है ना, इसको हमने एज ए वोल्ट मीटर यूज किया, तो हम जानते हैं कि इसका करंट तो मैक्सिमम करंट इसका आईजी हो सकता है और इसका रेजिस्टेंस आईजी होता है। तो अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वी आर अबर आईआर आईजी इनटू आरजी, आईजी बहुत छोटा होता है, तो ओवरऑल ये पोटेंशियल डिफरेंस जो गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा आएगा, मतलब ये बहुत छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। तो हम इसका, इसकी रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सीरीज में एक रेजिस्टेंस इसके लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है देखना, अब ये गैल्वेनोमीटर कितना हो गया, ये पूरा गैल्वेनोमीटर है, जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर के अंदर ही है। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापो कितना आ जाएगा, अब इस इंस्ट्रूमेंट का, ये वोल्ट मीटर बन गया, इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे, मतलब ये कितना मेजर कर सकता है, बेसिकली इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, है ना। तो कितना कर सकता है, आई इंटू आर करेंगे, तो आई इंटू आर करो, तो अब गैल्वेनोमीटर में से करंट तो आईजी ही जा सकता है, तो हमने लिख दिया आईजी, लेकिन अब जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया, भाई इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए,
तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर जी प्लस आर। तो इससे क्या हुआ कि रेंज बढ़ गई, इसमें रेंज ऑफ द बोल्ट मीटर कितनी आ गई, इसका मतलब रेंज ऑफ द बोल्ट मीटर हो गई जीरो से वी। रेंज ऑफ बोल्ट मीटर हो गई जीरो से बी। और यहाँ पे जो अब देखो हमें अगर रेंज बढ़ानी है, रेंज बढ़ानी है तो ये आई जी और आर जी तो फिक्स है, हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, आर को बढ़ाना पड़ेगा। आर जितना बड़ा होता जाएगा रेंज बढ़ती जाएगी। और गैल्वेनोमीटर में जस्ट अपोजिट था, सॉरी हाँ, गैल्वेनोमीटर से जब अमीटर को हमने कर बनाया था तो उसमें जस्ट अपोजिट था। कैसे, यहाँ पे अगर आपको रेंज बढ़ानी है तो एस को कम करते जाना पड़ेगा, जितनी ज्यादा आपको रेंज बढ़ानी है। देखो यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शनल में आ रहा है ना, यहाँ मतलब आपको रेंज बढ़ानी है तो आई को और कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो ओवरऑल ये भी कम होता जाएगा तो रेंज बढ़ती जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अगर हमें रेंज बढ़ानी है बोल्ट मीटर की तो ये जो आर है इसको हमें बढ़ाता जाने पड़ा रहा है। मतलब बेसिकली जो ये आर है इट इज वेरी हाई, है ना। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ द बोल्ट मीटर कैसे लिखोगे आप, रेजिस्टेंस ऑफ द बोल्ट मीटर, जैसे वहां अमीटर का रेजिस्टेंस लिखा था ना, तो रेजिस्टेंस ऑफ RG plus R कैसा है, बहुत बड़ा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द बोल्ट मीटर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, होना चाहिए, राइट, बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी हम बोल्ट मीटर के दो पार्ट कर सकते हैं, एक तो आइडियल एक रियल। आइडियल बोल्ट मीटर, रियल बोल्ट मीटर। तो आइडियल बोल्ट मीटर तो कौन सा हो जाएगा, जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ द बोल्ट मीटर हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बराबर, बहुत ज्यादा, अनंत। हाँ, इसमें नहीं होगा इन्फिनिटी, रियल में अनंत थोड़ी हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा, बहुत बड़ा होगा पर अनंत नहीं होगा, वेरी हाई बट नॉट इन्फिनिटी। ऑब्वियस है वेरी हाई तो होगा बट इन्फिनिटी नहीं कह सकते कि इन्फिनिटी होगा, या तो इन्फिनिटी बोल देंगे कि आर इज इन्फिनिटी, आर ऑफ पोटेंशियल, सॉरी बोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी, है ना। मतलब कोई क्वेश्चन आया उसमें इस तरीके से बोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के दोनों ओर, दोनों टर्मिनल पर एक बोल्ट मीटर लगा हुआ है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो इस केस में तो ये जो बोल्ट मीटर है वो आइडियल है, लेकिन इस वाले केस में यहाँ बोल्ट मीटर कैसा है, रियल है। तो अब इनके सर्किट कैसे बनेंगे देखना, आइडियल के केस में कैसे बनेंगे और रियल के केस में कैसे बनेंगे। तो आइडियल है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब एक तरीके से यहां से तो सर्किट ब्रेक ही हो गया। तो इसका जब हम सॉल्व करने के लिए सर्किट बनाएंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहां से सर्किट को ब्रेक ही मान लेंगे कि भाई सर्किट ब्रेक है। उस केस में अगर हम रीडिंग निकालेंगे तो रीडिंग कितनी आएगी, बोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी, एक्चुअली बोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, जितना रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। तो जो बोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी इस केस में वो क्या लिखेंगे आप, I into R लिखेंगे, जो E के बराबर ही आ जानी चाहिए, है ना। बोलो यार, वो E के बराबर ही आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे बस एक ही तो बैटरी लगी है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अच्छा, इसमें हमें ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी मान लेते हैं, ठीक है। अब बताओ अब रीडिंग कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो इस केस में रीडिंग कितनी आ जाएगी, पहले हमें आई कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना। वी क्या है बेसिकली, रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो बताइए करंट कितना आ जाएगा, E by R plus small r into R, ये आ जाएगा यहाँ पे
पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैसा हो गया थियोरिटिकल, मतलब रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस थियोरिटिकल वाला आएगा, सेम ही आएगा राइट। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में हम उसको ऐसे नहीं मान सकते कि सर्किट ब्रेक है, इस केस में हमें इसको हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा। और इस केस में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इसी आर के अक्रॉस जो कि रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की, तो ये वी में क्या लिख रहा हूं, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, तो ये जो वी होगी ये कितनी होगी, इस बार भी आई इंटू आर ही होगी होने को, तो आई पर आई कौन सा, आप देख लो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो पूरा का पूरा करंट इसमें से नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत करंट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, पर कम करंट जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ जाएगा तो सही है ना। तो बताओ वी का आंसर कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर कितना आएगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, आर वी और आर को पहले पैरेलल में जोड़ के इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, वो आ जाएगा आर वी इंटू आर डिवाइडेड बाय आर वी प्लस आर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगाना है, कोई निकालेगा वी कितना आएगा, हम निकालते नहीं है, हम एक उस टर्म में ले लेते कि मान लो यहां से करंट आ ही गया, ठीक है, और यहां से करंट आ ही गया तो यहाँ पे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल बैटरी का ईएमएफ तो ई है, तो बैटरी का ईएमएफ दो जगह पे डिवाइड होगा, एक तो इसमें डिवाइड होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, एक इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिवाइड होगा, है ना। तो यहां से करंट कितनी आएगी, आई करंट आएगी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में लिख सकता हूँ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा आई इंटू आर, तो मैं वी बराबर लिख सकता हूँ, वी का मतलब है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर, सही है। वैसे ही अगर मैं चाहूं तो यहां पे भी लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ का जो करंट है वो करंट आप आई नॉट मान लो, तो यहाँ पे भी जो ईएमएफ होगा वो दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ये तो लिख ही सकता हूँ वी बराबर, एक तरीके से और लिख सकता हूँ वही लिख देते हैं, यहाँ पे वी बराबर ई माइनस आई नॉट इंटू आर। अरे ये बात समझ में आई क्या आपको, इसको वी नॉट कह देते हैं। हाँ सर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अब दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं करंट निकाल के, पर वो बहुत बड़ा हो रहा था, मैं छोटा रखना चाह रहा था ताकि हम कंपेयर कर पाए। तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो कितना आएगा, देखो बैटरी तो ई लगी है तो यही डिवाइड होगा यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों का समेशन ई आएगा। तो मैंने ये बोल दिया कि अगर यहाँ पे इतना पोटेंशियल डिफरेंस लग गया आई नॉट इंटू आर, सही बात, इतना ही लगेगा, अगर करंट आई नॉट है और रेजिस्टेंस आर है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आई नॉट इनटू आर, तो ई में से इतना घटा तो बचा कुचा इसका हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कर दिया ई में से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस घटा तो बचा कुचा इनका हो जाएगा, ठीक। बाकी आप चाहो तो अभी जैसे हम करेंगे जब वैल्यूज पता होंगी तो हम एक्चुअल करंट निकाल के और वो भी करेंगे, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। हाँ सर ठीक है सर, ठीक। तो ये वाली रीडिंग तो किसी हो गई आइडियल की, और ये वाली रीडिंग किसकी हो गई, रियल की। तो इसमें भी सेंसिटिविटी डिफाइन कर सकते हैं, डिवीजन अपॉन वोल्टेज कितना नाप रहा है वो, और इसमें भी परसेंटेज एरर हम लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर बराबर वही रियल माइनस आइडियल अपॉन आइडियल, रियल माइनस आइडियल अपॉन आइडियल इनटू 100, और अगर सेंसिटिविटी की बात हो तो सेंसिटिविटी वही नंबर ऑफ डिवीजन
डिवाइडेड बाय वो मेजर वोल्टेज, कितना वोल्टेज कितने डिवीजन में उसने नापा, ठीक। तो देखो सबसे पहले इस केस को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये रियल दे रखा है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं, मतलब जो दे रखा है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो हमें यहाँ अब देखो रियल है तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम आर वी मान लेते हैं, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें यहाँ से मिलेगा। हमें यहाँ दे रखा है कि अभी वोल्ट मीटर 30 वोल्ट यहाँ पे वो कर रहा है, मतलब इसके अक्रॉस भी 30 वोल्ट हो गया और खुद के अक्रॉस भी 30 वोल्ट हो गया एक तरीके से, है ना, पैरेलल में है ना दोनों 40 ओम एंड ये वोल्ट मीटर। तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल करंट आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि 40 ओम है पोटेंशियल डिफरेंस, 30 वोल्ट है, तो करंट आ गया यहाँ से 30/40, तो 3/4 ओम, 3/4 सॉरी एम्पियर करंट यहाँ से आ गया जो इस 40 ओम में से जाएगा, ये करंट हमें मिल गया। तो हमें ये करंट मिल गया यहाँ से, ध्यान से देखना कि अगर इसमें से 30 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 40 ओम है, तो करंट आ गया 30/40 3/4 एम्पियर। अब ध्यान से देखना कि अगर ये वोल्ट मीटर 30 वोल्ट रीड कर रहा है, मतलब इधर 30 वोल्ट इनका पोटेंशियल डिफरेंस है और बैटरी का टोटल ईएमएफ 60 है, तो इसका मतलब इस 30 ओम पर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 30 वोल्ट होगा इस केस में। हमसे ये नहीं पूछा इस केस में कितना होगा, हमसे तो पूछा जो शिफ्ट कर देंगे तो रीडिंग क्या होगी, इसलिए ये आंसर नहीं है। लेकिन हम इससे करंट निकाल सकते हैं, करंट कितना आ गया 1 एम्पियर करंट आ गया, 30 वोल्ट डिवाइडेड बाय 30 ओम 1 एम्पियर करंट आ गया। अब सोचो जरा 1 एम्पियर करंट इस तरीके से जा रहा है और आगे चला गया 3/4 एम्पियर, यानी कि इसमें से कितना करंट गया 1/4 एम्पियर करंट गया। अब अगर मैं इस वोल्ट मीटर के लिए इक्वेशन लिख दूं, क्या V बराबर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर बराबर करंट इन द वोल्ट मीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, तो V की वैल्यू है 30, करंट कितना आ गया 1/4, तो यहां से मैं रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर निकाल सकता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना आ गया 130 ओम, ठीक। तो बेसिकली हमें जो फर्स्ट जानकारी दी है वो इसलिए दी है ताकि हम रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर निकाल पाए। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन ये है कि ये जो वोल्ट मीटर है इसको हटा के हमने यहां लगा दिया, तो आपसे पूछा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो भाई बड़ा ही आसान है, हमें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस थोड़ा ना चेंज होगा, रेजिस्टेंस तो जो रहेगा वही रहेगा, तो बेसिकली रेजिस्टेंस कितना है 120 ओम। अब आपके सामने एक सर्किट बन गया है बस, कि यहाँ पे 120 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 30 ओम है या 40 ओम है, आपको बस इसके अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो बड़ा ही आसान है, हम पहले करंट फाइंड कर लेते हैं सर्किट का करंट कितना होगा। तो करंट निकालने के लिए पहले 30 और 120 का आर इक्विवेलेंट निकालने कितना आएगा बताओ, 30 और 120 का आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 30 × 120/150, ये कितना हो गया 24 ओम आ रहा है क्या, 30/120 का आर इक्विवेलेंट 34 ओम। तो करंट I बराबर आ रहा है 60 / 30 × 120/30 + 120 / 150 + 40, सॉल्व करके तो कितना रहा है। तो ठीक है, बस हम करंट हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, मतलब टोटल ईएमएफ 60 है, उसमें जितना ईएमएफ इस पे आज ईएमएफ क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा I × 40, उस 60 में से इसको घटा देंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये सीधा भी कर सकते हैं, इनका आर इक्विवेलेंट तो हमें पता है चल ही गया है, आर इक्विवेलेंट कितना है 24 है ना, तो
तो I into 24, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. तो मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग यहां पे मैं सीधा देख सकता हूं, I into ये बेसिकली क्या लिख दिया हमने, R इक्विवेलेंट लिख दिया, तो कितना आ गया है, ये आंसर आ गया. तो ये आंसर आ गया 45 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ गई, वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई जब इसको 30 ओम पे शिफ्ट कर दिया. देख लो ये क्वेश्चन है पूरा. तो पहले यहां लगा हुआ था, इसकी रीडिंग 30 वोल्ट थी, तो उस केस में हमने आर भी निकाला क्योंकि ये रियल था. अब उसको हमने 30 ओम पे शिफ्ट कर दिया, तो करंट निकाला, करंट निकाल के रीडिंग निकाल दी. इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, ठीक है.